व्हाट्सअप क्रेजेस आउट देयर, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो अभी मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ कि अभी 10:30 हो रहे हैं एंड मुझे 9 बजे निकलना था। सो अभी जाते जाते पहले नाश्ता करना है मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, फिलअप भी करना है। सो अभी मैं आपको सीधा बाइक में मिलता हूँ। सो गाइस मैं अभी माउंट लगा रहा था, सो मुझे पता चला कि यार ऐसी गलती हुई है मेरे से। सो अभी इसको वापस निकलता हूँ। सो गाइस अपनी बाइक की कंडीशन देखो, कंडीशन। बाय द वे मेरे दोस्त की बाइक है इसलिए मैंने उसमें से लिया है। सो गाइस फ्यूल अप कराना पड़ेगा अभी। सो गाइस अभी नाश्ता करना है मुझे यार। कल रात मैंने थोड़ा ही खाया था। अरे यार गाड़ी किधर लगाओ भाई, ऑप्शन नहीं, इधर ही लगानी पड़ेगी यार। सो गाइस नाश्ता तो हो गया और अभी फ्यूल अप करते हुए जाके पहले यार, एक तो पहले फ्यूल कम है एंड यहाँ पे कैसे ट्रैफिक हो गया भाई। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है। यूजुअली यहाँ पे ट्रैफिक लगता नहीं है। ये देखिए रॉन्ग साइड। अभी क्या बोलूँ मैं इसको भाई। फ्यूल अप करने जाते हैं पहले, मुझे एक्चुअली पीछे जाना था, मीन्स राइट लेना था, बट फ्यूल अप करने के लिए लेफ्ट लेना पड़ा। सो यहाँ से सीधा गए तो नवली ब्रिज है एंड नवली ब्रिज से लेफ्ट लेके सीधा सातारा। सातारा है 102 किलोमीटर्स, मुंबई 153। अरे मुंबई को भी जाना है। मेरा जो फ्रेंड है जो कि चर्च गेट के पास रहता है, सो वो कब से बोला रहे हैं मुझे कि भाई तू आ इधर। चलो अभी सीधा कॉलेज चलते हैं जल्दी। भाई कसम से पुणे में गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना। पहले 2 साल पहले जब मैं जहाँ पे रहने आया था ना, तब लिटरली गर्मियों में विदाउट फैन रहते थे हम, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। सो गाइस ये भारतीय विद्यापीठ की बैक साइड है। सो गाइस ये कात्रज डेयरी, ये पीछे वाली है। और ये फाइनली ये काम पूरा हो गया क्योंकि इसकी जो लेवल थी ना पहले बहुत ज़्यादा थी, मीन्स डायरेक्टली ये स्टिफ था। ये भारतीय विद्यापीठ का स्टॉप और ये रहा भारतीय विद्यापीठ, ये रहा भारतीय विद्यापीठ। भाई यार मुझे कन्फ्यूजन रहा कि ऊपर से जाओ कि नीचे से जाओ, क्योंकि ऊपर से बहुत बार मैं फंस गया हूँ ट्रैफिक में, पर नीचे से भी सिग्नल्स होते हैं, बट चलो रिस्क लेते हैं, ऊपर से जाते हैं। यार मेरे गाड़ी का जो फ्लैग था ना यहाँ पे, जो तिबेटन फ्लैग लगा था, वो किसी ने काट डाला। और काटा भी कैसे मालूम है, काटा भी एकदम सेंटर से, यहाँ से सेंटर से काटा। तो भाई काटना भी था तो पूरा लेके जाता भाई, इधर को बीच में से क्यों काटा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। गाइस चलो इतना भी ट्रैफिक नहीं मिला आज, रिस्क लेने का फ़ायदा तो होता है यार कभी कभी। सो गाइस ये पद्मावती चौक है एंड जो मैं दूल्हे से जो ट्रैवल्स में आता हूँ बस में, उसकी पार्किंग है ना यहाँ पे है, देखो। गाइस आपके साथ कभी ऐसा है कि कभी एक भी सिग्नल नहीं लगता एंड कभी हर एक सिग्नल लगता है। बट भाई कुछ भी बोला, पुणे में रात को घूमने का जो मज़ा है ना वो कहीं पे भी नहीं है, बहुत मज़ा आता है भाई। देखो इतनी देर रुकते भाई, एक आखिरी के 5-6 सेकंड रुकने में क्या जाता है। सो गाइस आगे स्वारगेट है, स्वारगेट मैं भी आज HJG के हाइलाइट्स लगाने वाला हूँ, बट कंफर्म नहीं है। एक बार कॉलेज जाके मैं देखता हूँ कि आज टाइम मिलता है, अगर आज टाइम मिला तो कन्फर्म आज लगा लूँगा। और उसका पूरा इंस्टॉलेशन का मैं एक अलग सी वीडियो डालूँगा यूट्यूब पे, मीन्स अभी सिर्फ दिखा दूँगा बट उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते प्रॉपर वो पूरा वीडियो डालूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई क्या धूप है। क्या कर रहा है यार तू तो मजाक है। एक हाथ से मोबाइल चला रहा है और एक हाथ से बाइक चला रहा है। वाह हाँ भाई। सो गाइस आगे कैंप बर्गर है। सो गाइस ये रहा मेरा कॉलेज। हमारे सर से पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ जो कि हमारे ट्रिप के थे और उससे ही हम लाइट्स लगाने वाले हैं। सो गाइस अभी निकलते सीधा घर पे। अभी 4:30 हो रहे हैं एंड एक्चुअली आज मैं जल्दी फ्री हुआ। और एक्चुअली ना पुणे में इतनी ज़्यादा ट्रीज़ है ना, सो इसलिए क्लाइमेट भी अच्छा रहता है। सो गाइस यहाँ पे वो मिलिट्री कैंटीन है। सो गाइस यहाँ पे सुजुकी का शोरूम है, अपने सब हायाबुसा लगी हुई है। तो देखो गाइस अगर यहाँ से सीधा गए ना तो हड़पसर आता है। सो गाइस एक्चुअली यहाँ से स्वारगेट है बट मैं यहाँ से यार आपको एक मस्त दिखाता हूँ एक। एंड यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत मस्त बंगले यहाँ पे देखो दिखा दो मैं आपको। रुको भाई देखो ये हो गया, ये तो दिख भी नहीं रहा। ये देखो यार मतलब है ना यहाँ से जाने की फील अलग है कसम से, सब इतने मस्त बंगले ना। सो देखो यहाँ से ना एक मस्त रूट है। ये देखो यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए तो बहुत बढ़िया यार। गाइस अभी मैं मार्केट यार्ड के यहाँ पे हूँ। ये जो रोड है ना वो सीधा सिटी ब्राड के वहाँ से निकलता है। भाई सिग्नल जस्ट बंद हो गया था। फर्स्ट टाइम मतलब जब से पुणे में आया हूँ ना फर्स्ट टाइम ये वाले ब्रिज पे ट्रैफिक लगा है। यहाँ पे आगे कोई सिग्नल भी नहीं है बट तो भी ट्रैफिक है। आगे तक देखो आपको दिख रहा होगा वहाँ तक ट्रैफिक है। सिग्नल तो सिग्नल सीधा राजीव गांधी को आएगा, उस सिग्नल तक होगा तो बाप रे ये तो बहुत आगे हो।